गाइस आज के वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट 10th में कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है और रिजल्ट काफी डाउन आया और जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो चुके हैं या फिर स्ट्रेस में जा चुके हैं और या फिर पेरेंट्स के ताने डेली सुनना पड़ रहा है। और गाइस उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, या तो आपने स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली होगी या भी करने की सोच रहे हो। सो गाइस अगर आपने स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया है और उसमें आपने कॉमर्स ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करी तो आप कॉमर्स को अपना कैरियर चूज कीजिए। उसके पीछे आपको कारण बताता हूं। गाइस देखिए, जो टॉप करता है वो चला जाता है दो स्ट्रीम में, किसमें? या तो साइंस में जाता है या फिर आर्ट्स में जाता है। क्यों साइंस में इसलिए जाता है? बिकॉज उसका इंटरेस्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, तो उसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करता है। और अगर आपका ड्रीम है, आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस ऑफिसर बनना, तो आप आर्ट्स लाइन में चले जाते हो। वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आए हैं, अब ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहली कैटेगरी जो पढ़ना ही नहीं चाहती, जो कहते हैं ठीक है यार जो मार्क्स आ गए वो अच्छी है और आगे भी ऐसी लाइफ चलती रहेगी, वो स्टूडेंट लेते हैं आर्ट्स क्योंकि उन्होंने पढ़ना है नहीं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है जिनका किसी भी कारण से मार्क्स कम आए हैं बट वो पढ़ना चाहते हैं, उनको रियलाइज हो चुका कि यार जो मार्क्स कम आ गए एक बार आ गए बट अब मुझे लाइफ में कुछ करना है क्योंकि अब मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मैंने अपने घर के लिए कुछ करना है क्योंकि घर की हालात ऐसी नहीं है कि डेली या महीने 5 या 10 लाख रुपए मेरे घर में आता हो। तो अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, अच्छी नौकरी या फिर एक अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा। सो गाइस अगर आपको रियलाइज हो चुका है तो वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो गाइस कॉमर्स में आइए, आपको कॉमर्स में आने का मैं न्योता दे रहा हूं और साफ साफ बोल रहा हूं कॉमर्स में आइए, उसके पीछे एक कारण है। गाइस कॉमर्स जो स्ट्रीम है वो आपको जीरो से स्टार्ट करने का मौका दे रही है। इस स्ट्रीम में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? चाहे टॉपर है 99% लेके जो कॉमर्स में आया और जो 39% लेके या 55 लेके 75% लेके कॉमर्स में आया, सब इक्वल है, सब एक ही कश्ती में सवार है। यहां पर कोई इंटेलिजेंट कोई वीकर नहीं है। अब गाइस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी क्लास का टॉपर कौन है? सर अभिषेक, आपने नेम ले दिया अभिषेक या फिर आपने नेम ले दिया मुस्कान, तो जो भी आपकी क्लास का टॉपर है आप एक बात एनालाइज कीजिए, वो टॉपर काफी सालों से है, वो काफी सालों से 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग है। तो गाइस अगर आपका बेस स्ट्रांग है 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th से तो आप टॉपर की श्रेणी में आते हो। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप 60, 70, 75% की कैटेगरी में आते हो। अब यहां पर क्या है, कॉमर्स आपको जीरो से स्टार्ट करने का मौका देगी। यहां पर किसी को कुछ नहीं पता, यहां पैसे की गेम है, पैसे के बारे में समझेंगे, दुनियादारी के बारे में समझेंगे, इकोनॉमी के बारे में समझेंगे, कैसे एक मजदूर रोटी खाने के लिए मेहनत करता है और कैसे एक अमीर देश की इकोनॉमी चलती है, वो सारा का सारा हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और गाइस यहां पर किसी को नॉलेज नहीं है, फिर से कह रहा हूं सब लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने बेस बना लिया 99 और 39 वाला इक्वल है, जिसने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया, day 1 से पढ़ाई शुरू कर दी, उसके लिए कॉमर्स वहां पे टॉप में उसको ले जाएगी और वो कॉमर्स स्ट्रीम का अपनी क्लास का टॉपर बन सकता है और कॉमर्स का मास्टर बन सकता है। सो गाइस ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैं पिछले 10 साल में पढ़ा चुका हूं जिनके 10th में 70, 60, 40 की लाइन में मार्क्स आए हैं और 98, 99% क्लास 12th में और 90% ग्रेजुएशन में अचीव किए हैं और आज 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ वो कमा रहे हैं। गाइस अगर वो 40%, 50%, 60% लेके दुखी हो जाते और आर्ट्स ले लेते तो शायद उसकी जिंदगी आज कहां होती, उनको खुद भी नहीं पता, भगवान ही मालिक था, भगवान ही जानता था। बट कॉमर्स में आने के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गाइज ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो गाइज अगर कॉमर्स में आप आ चुके हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर अभी तक नहीं आए हो तो आप कॉमर्स को अपना पैशन, अपना कैरियर बनाइए। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं था पर आप अब से पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइज इस फील्ड को आप चुनिए और बन जाइए अपनी फील्ड के मास्टर। और गाइज साथ ही साथ एक ऐसी न्यूज शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पे विश्वास नहीं होगा। गाइज मैं सहज ढिल्लों पिछले 10 साल से 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और फाइनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं। सो गाइज गुड न्यूज ये है कि पहली बार ऑनलाइन यूट्यूब पे मैं अपनी नई सीरीज लेके आ रहा हूँ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स क्लास 11 के लिए, और ये सीरीज टोटली फ्री होने वाली है गाइज। और ये हाईली पेड सीरीज है जहां पे आपको दूसरी जगह 40,000 पे करके ये सीरीज आपको मिलेगी, वहां पे आपको मैं फ्री में सीरीज लेके आया हूं गाइज। यहाँ पे सिर्फ आपको सीरीज नहीं मिलेगी, सीरीज के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा जहां पे आप डायरेक्टली मेरे से डेली बात कर सकते हो, डेली डाउट पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्रिंटर असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है गाइस। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और 25 जुलाई 2020 से डेली 5 बजे आपने आना है, यूट्यूब पे आना है, और आपने सीरीज अटेंड करनी है। मंडे ऑल्टर अकाउंट्स पढ़ेंगे, ट्यूसडे ऑल्टर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और संडे का ब्रेक दूंगा, जो आपने पूरा पढ़ा हो उसको रिवाइज करना है गाइस। तो गाइस प्लस 2 का रिजल्ट बहुत शानदार रहा, तो उम्मीद करता हूं आपका कैरियर आज स्टार्ट होने जा रहा है, एक नई जर्नी में आप शुरुआत कर रहे हो क्लास 11th में। जो प्लस 2 वाला ने नाम रोशन किया वो रोशन आप भी करो, और 11th में भी 12th में भी मेरा भी नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। और जो ताने मार रहे हैं, जो मम्मी पापा या फिर रिश्तेदार जो ताने मार रहे हैं, उनका मुंह बंद करने का इससे बेस्ट टाइम नहीं है गाइस। तो मिलते हैं गाइस 25 जुलाई 2020 को, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।